बंद करना तो कहाँ से करेंगे ओके सो हेलो गाइज गुड इवनिंग ओके सो वे स्टार्ट इन अ मिनट लेट ऑल द पीपल जॉइन इन एक दो मिनट में हम लोग चालू करेंगे ठीक है सो मीन वाइल यू कैन डाउनलोड द पी पी टीज एंड द हेंड आउट दोनों भी फ्रॉम दिस टेलीग्राम ग्रुप एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद टू काइंड ऑफ द मटेरियल एक तो पीपीटी का एक्सेस तो आपको मिलेगा ही उसके अलावा ओके ये पी जो है हमारी ओके okay, उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा ओके फॉर दिस पर्टिकुलर पी डी एफ इट विल एक्ट एज अ समरी रिविजन के लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको राइट तो पी पी टी एज वेल एज दिस मटेरियल बोथ ऑफ देम यू कैन फाइंड इट एट द टेलीग्राम चैनल सी एस सी विद साइन एल यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर ओके एंड विल स्टार्ट इन अ मिनट लेट ऑल दीपल्स ऑल्सो जॉइन इन गुड इवनिंग टू यू ऑल थोड़ा सा ज़्यादा घंटा लेट हो गया कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे इसके वजह से सो विल स्टार्ट ठीक है मीन वाइज अगर कोई डाउट रहेगा आपको फ्राम द प्रीवियस लेक्चर या फिर इवन इन जनरल दैट यू वॉन्ट टू आस्क मी यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ठीक है आई टेक अटो मिनट और आई विल वेट एंड आफ्टर आई स्टार्ट विद द लेक्चर ठीक है ये ओके सो तब तक अगर कोई डाउट रहेगा यू कैन जस्ट टाइप इट ठीक है आई टेक द डाउट सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू यू ऑल ठीक है यस सो एनी डाउट दैट यू माइट बी हैविंग जस्ट लेट मी नो ठीक है विल स्टार्ट इन अ मिनट ठीक है अगर कोई डाउट रहेगा तब तक तो पूछ लेना ओके सो टुडे विल बी द थर्ड चैप्टर तो थर्ड चैप्टर देखना आज हमें ओके okay. अब तक हम लोगों ने देखा था बेसिक चीजें कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए सो फर्स्ट चैप्टर इज गिविंग अस अन्साइड कि हिस्ट्री की वजह से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है एंड आफ्टर इन सेकेंड चैप्टर वेरियस स्कूल ऑफ हिस्ट्री जैसे हिस्टोरियोग्राफी हमने देखी थी एंड हमने इवोल्यूशन देखा था रफली इन द हिस्टोरियोग्राफी कि कैसे कॉलोनियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री इवॉल्व हुई कॉलोनियल वर्जन के बाद कैसे उसको रिस्पॉन्स के लिए नेशनलिस्ट हिस्ट्री डेवलप हुई उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ओके कोस करेक्शन के कुछ इंस्टेंसेस हमें मिलते हैं जैसे कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन आया वैसे ही स्कूल ऑफ हिस्टोरियन आया

जैसे कि पी है सी है तो वहां पे भी एंशियन का जो चंक है वो आजकल बढ़ रहा है तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू तो स्किप करने से बेटर है ये हाफ एंड वन आर के तो टोटल ट्वेंटी सेवन जो लेक्चर है वो देख लो एंड इट विल बी फाइन ओके डोंट वरी ओके सो चलो देन विल मूव फॉरवर्ड गाइड ठीक है एक एक करके अभी आगे बढ़ेंगे फिर ठीक है सो टूडे विल स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर डेमो वेमो कुछ नहीं है दिस इज द प्रॉपर सीरीज जो मैंने पहले चैप्टर वन कवर किया है चैप्टर टू कवर किया है नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर थ्री अगेन सम बेसिक रूल्स ओके डाउट्स आप पूछ सकते हो बट आई एम गोइंग टू टेक द डाउट क्लियर सेशन वंस आई एम ओवर विथ अ पर्टिकुलर सेक्शन तो एक सेक्शन में खत्म करूंगा एंड उसके बाद ही मैं आपके डाउट देखूंगा सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग कि लेट्स मेंटेन सम डिकोरम एंड डिसिप्लिन तो फालतू के कमेंट्स मत कर लेना ठीक है कुछ जेन्यून डाउट्स होगा तो जेन्यून डाउट पूछ लेना ताकि सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियरिफाई हो जाए ठीक है तो एक, -एक करके देखेंगे फिर लेट्स स्टार्ट जो भी आपके जो डाउट्स है जस्ट कीप ऑन टाइपिंग इट मैं धीरे धीरे करके उसको सारों को खत्म कर दूंगा तो नेचर ऑफ सोर्सिस मतलब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि टाइम मशीन तो हमारे पास है नहीं कि पास में गए और फिर हमने देख लिया कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग पास्ट में भी एंशियंट टाइम इवन इन मीडियबल टाइम लोगों ने अपने बारे में कुछ कुछ लिख के रखा है बट उससे भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं है तो हमने कुछ एक्सकेवेशन किया है उत्खनन किया है उससे भी हैव गॉट टू नो अबाउट सर्टन इन्फॉर्मेशन तो ये जो आर्क्योलॉजिकल एविडेंसेस एंड लिटरेरी एविडेंसेस है उसके ऊपर एक ओवरव्यू दे रहा है योर चैप्टर नंबर थ्री एंड दैट्स चैप्टर का जो नाम है दैट इज नेचर ऑफ सोर्सेस तो आपके एंशियंट इंडिया के कुछ सोर्सेस हैं कौन से सोर्सेस है तो दो टाइप के सोर्सेस होते हैं एक होता है आपका आर्क्योलॉजिकल सोर्स और एक होता है आपका लिटररी सोर्स तो आर्किोलॉजिकल सोर्सेज कौन से कौन से टाइप के होते हैं उनसे हमें जनरली क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड वैसे ही लिट्ररी सोर्सेज कौन से कौन से टाइप के होते हैं एंड उनसे हमें जनरली क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद उसका इस्तेमाल करके हमने हिस्ट्री को डीकंस्ट्रक्ट कैसे किया है ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इंफॉर्मेशन इज समथिंग दैट वी गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी ठीक so है कि एग्जैक्टली exactly देखेंगे कि क्या क्या होता है ओके? तो सबसे पहले जो अपने सोर्सेस होते हैं उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि there are always two type of sources. एक होता है आपका आर्कियोलॉजिकल और एक होता है आपका लिटररी तो एंशियंट टाइम में लोगों ने कुछ कुछ लिख के रखा वैसे ही एंशियंट टाइम में लोगों ने कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करके रखे अब उसके उसके कुछ रेम हमारे पास आ चुके हैं और ये रेमिनेंस को स्टडी करने के बाद हम लोग हिस्ट्री लिखते हैं तो हिस्ट्री लिखने का काम किसका है आपका और मेरा नहीं इट इज वर्क ऑफ हिस्टोरियन तो हिस्टोरियन जो होते हैं वो कौन से स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से होते हैं ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में मतलब कल वाले लेक्चर में देखा था तो कैम्ब्रिज स्कूल के हिस्टोरियन अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखेंगे वैसे ही नेशनल स्कूल के हिस्टोरियन अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखेंगे राइट वैसे ही सबल्ट्रॉन स्कूल के हिस्टोरियन अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखेंगे बट वो हिस्ट्री किस हिसाब से लिखेंगे आफ्टर स्टडिंग आर्कियोलॉजिकल एंड लिट्रेरी सोर्सेज तो ये आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी कि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब हमारे पूर्वजों ने एंशियन टाइम में कुछ ना कुछ तो चीज़ें करके रखी और उसके वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली तो इंडिया का जो नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ आवर पास जो है ओके okay, 99% of our past ये हमें आर्कियोलॉजी से ही पता चलता है ऐसा क्यों बिकॉज इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे पहले लेक्चर देखने पड़ेंगे तभी आपको कंटेक्ट समझ में आएगा तो हमने बात की थी प्री हिस्ट्री की ओके वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्री हिस्ट्री तो प्री हिस्ट्री का मतलब होता है पैलियोलिथिक मेजोलिथिक नियोलिथिक एंड चैलकोलिथिक पीरियड ये प्री हमारी चालू होती है रफली 20 लाख साल पहले से और खत्म होती है समवेयर अराउंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी तक मतलब रफली नाइनटीन लैख ईयर्स का जो हमारा हिस्ट्री है वो हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही मिलता है बिकॉज प्री हिस्ट्री में देर वॉज नो आर्ट ऑफ राइटिंग तो आर्ट ऑफ राइटिंग जो है ये हमें मिली ही नहीं है प्री हिस्ट्री में इन लोगों को लिखना ही नहीं आता था तो हमें इनके बारे में कैसे पता चला तो ऐसे तो इन लोगों ने हमारे लिए बहुत सारे पेंटिंग्स छोड़े हैं बहुत सारे स्टोन टूल्स छोड़े हैं तो ये पेंटिंग है स्टोन टूल्स है वो आर्कियोलॉजी का हिस्सा है और इन्हीं का स्टडी करके अल्टीमेटली वी कैन सी कि हम हिस्ट्री को जो है वो डीकंस्ट्रक्ट करते हैं तो दिस पर्टिकुलर प्री हिस्टोरिकल एज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो हमेशा आर्कियोलॉजी होता है देयर आफ्टर फिर डिफरेंट टाइप ऑफ द कल्चरल कल्चर के बारे हम बारे में हमें आर्कियोलॉजी से पता चला है तो कौन से कौन से कल्चर है ऐसे हमारे पास तो कुछ सिंगल कल्चर होते हैं ओके okay? तो सिंगल कल्चर में आप क्लियरली बोल सकते हो से फॉर एग्जाम्पल पैलियोलिथिक देर आफ्टर मेजोलिथिक देर आफ्टर नियोलिथिक एंड देर आफ्टर इवन चैल्कोलिथिक तो ये होते हैं सिंगल कल्चर तो इस सिंगल कल्चर के बारे में हमने कुछ खोद खोद के कुछ एक्सकेवेट करके एविडेंसेस लिए और वो पर्टिकुलर कल्चर के बारे में हमें पता चला वैसे ही ये सिंगल कल्चर में कुछ मेजर कल्चर होते हैं और कुछ माइनर कल्चर्स भी होते हैं ओके okay? तो मेजर कल्चर तो यही है अपने पहलियोलिथिक मेजोलिथिक नियोलिथिक एंड चेल्कोलिथिक बट इनके अंदर भी तो वेरिएशन है जैसे फॉर एग्जाम्पल नियोलिथिक में हमें नॉर्थ इंडिया में कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं फॉर एग्जाम्पल बुरजा होम एंड गुफ कराल ये दो इम्पोर्टेंट साइट है नियोलिथिक पीरियड की फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वैसे ही नियोलिथिक पीरियड में साउथ इंडिया में कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश वाले एरिया में हमें पिखलीहाल उतनूर मस्की ये इम्पोर्टेंट साइट्स मिली है तो इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस डेफिनेटली होगा तो नियोलिथिक उसके अंदर के जो है, उसको आप माइनर कल्चर मतलब आप क्लियरली एग्जाम्पल ले सकते हो मोहिंजा दारो का अगर आपने मोहेंजो दारो का कभी ईमेल देखा होगा तो मोहेंजो दारो में हमें कंटिन्यूस सेटलमेंट के पैटर्न मिले हैं फ्रॉम 2000 बीसी से लेके

कुछ एविडेंसेस दुनिया के सामने रखते हैं एंड आफ्टर फिर हिस्टोरियन उससे कुछ कंक्लूजन डिराइव करने का काम करते हैं तो ये वाली जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यही हम लोगों को बेसिकली एनसीआर के ये जो थर्ड चैप्टर है उसमें मिलती है फिर एक्सकेवेशन के दो टाइप इन्होंने हमें बताया है एक होता है वर्टिकल एक्सकेवेशन और एक जो दूसरा होता है दैट इज हॉरिजोंटल एक्सकेवेशन ओके तो वर्टिकल एक्सकेवेशन एंड हॉरिजोंटल एक्सकेवेशन से फॉर एग्जाम्पल ये पीस ऑफ लैंड है ओके okay. अगर मैं उसको ऊपर से नीचे खोदूंगा तो इसको मैं बोलूंगा वर्टिकल एक्सकेवेशन अब वर्टिकल एक्सकेवेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट आगे बढ़ती है तो ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो पहले वाले जो हमारे आर्किटेक्चरल सोर्सेस है उसको जमीन में गाड़ के उसके ऊपर कुछ नया बनाती है तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो बाबरी मॉस का राइट right? तो बाबरी मॉस जो है ऐसे कंसिडर किया जाता है कि पहले यहाँ पे रामलला का टेम्पल था उसको रेज डाउन करके फिर इसके ऊपर हम लोगों ने क्या बनाया तो बाबरी मॉस बना लिया तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को ये कैसे पता चला कि भाई बाबरी मॉस के नीचे मंदिर था बिकॉज ऑफ द एक्सकेवेटरी एविडेंसेस तो जब आप पहले का स्ट्रक्चर गिरा के उसके ऊपर भले ही नया स्ट्रक्चर बना लोगे बट वो पहले के स्ट्रक्चर के कुछ कुछ रेमनेस आपको जमीन के नीचे मिलेंगे एंड दैट साइ जब वर्टिकल एक्सकेवेशन हम लोग करते हैं तो हमको क्रोनोलॉजिकली पता चलता है कि पहले कौन सी चीज है और बाद में कौन सी चीज है एंड ऑन दी अदर हैंड एक होता है हॉरिजोंटल एक्सकेवेशन हॉरिजोंटल एक्सकेवेशन मतलब आप जमीन में सीधा नीचे का नीचे तक आप गाड़ते नहीं जाओगे आप क्या करोगे जमीन का जो ऊपर वाला जो सरफेस है उसी को बेसिकली उसमें एक्सकेवेशन करके कुछ कुछ चीजें ढूंढना चालू करोगे सो फॉर एग्जाम्पल ये पीस ऑफ लैंड है ओके okay? और ये पीस ऑफ लैंड में आपने यहाँ पे खोदा और आपको पता चला कि भाई कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं तो रेदर देन गोइंग डाउन अब आप क्या करोगे यहाँ से यहाँ तक की खुदाई चालू करोगे तो आपको एक एक्सटेंट पता चलेगा वो पर्टिकुलर कल्चर का कि कितना कल्चर वो था एंड फिर वहां पे दूसरी दूसरी कौन सी कौन सी चीजें हम लोगों को मिली है नॉट डेट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूपीएससी बट ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज अभी करना है तो थोड़ा सा अच्छे से ही करेंगे ठीक है तो वर्टिकल एक्सकेवेशन में हम लोगों को क्रोनोलॉजिकली चीजें पता चलती है Whereas, में हम लोगों को क्या पता चलता है एक्सटेंट जैसे हम एविडेंसेस है. है, okay? मिलते हैं हम उनकी डेट फिक्स करते हैं तो डेट फिक्स करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक हमारे पास है वो रेडियो कार्बन टेक्निक है ओके okay? तो रेडियो कार्बन टेक्निक से वी कैन डिटरमाइन द डेट ऑफ द एक्सकेवेटरी एविडेंसेस तो ये जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन है ओके रिलेटेड टू द एक्सकेवेशन तो उसके बारे में एनसीआरटी में इतनी ही इंफॉर्मेशन है यू जस्ट नीड टू कि जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्यों है बिकॉज एक्सकेवेशन है वो यूज हम लोगों को 20 लाख साल की जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है बिकॉज तब इंसानों को लिखना नहीं आता था तो जितने भी उन्होंने एक्सकेवेटरी एविडेंसेस हमारे लिए छोड़े हैं उससे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन कर ली है और कुछ कुछ एक्सकेविटरी एविडेंसेस मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताए थे जैसे इम्प्लीमेंट्स ऑफ द बोन इम्प्लीमेंट्स ऑफ द स्टोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो इससे हम लोगों को इनके बारे में पता चला है तो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज ऑल्सो आर्कियोलॉजी तो हम सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो बेसिकली ऐसे हम लोगों को मिलते हैं तो विथ इन आर्क्योलॉजिकल सोर्सेस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जैसे कॉइंस एंडर आफ्टर फिर इंस्क्रिप्शन तो जब हम जमीन खोदते हैं तो हम लोगों को कौन से कौन से टाइप ऑफ एविडेंसेस मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस हम लोगों को मिलते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस जो है वो है कॉइंस एंडर आफ्टर इंस्क्रिप्शन तो ये वाले चैप्टर में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कॉइंस एंड इंस्क्रिप्शन की भी दी है बट ऊपर ऊपर से दी है तो उतना ही समझना है हम लोगों को ओके okay? तो वन बाय वन तो सबसे पहले कॉइन द स्टडी ऑफ द कॉइन इज कॉल्ड एज अ न्यूमिज्मिक और एंशियन टाइम में हम लोगों को बहुत सारे कॉइंस मिले हैं जैसे मेटल कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड लीड तो डिफरेंट डिफरेंट कॉइंस आर देयर

अब वैदिक पीरियड का जो टाइमलाइन है वो मैंने पहले ही आपको समझाया है पहला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज आपको क्रोनोलॉजी हमेशा पता ही होनी चाहिए तो जैसे आपको क्रोनोलॉजी पता चलेगी तब आपको ये डेटिंग वाला जो प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा बट वन से लेके सी सी इसके बीच में वैदिक लिटरेचर में हम लोगों को कॉइन का एक नाम मिलता है तो लेटर वेदिक एज में हम लोगों को निक्श टाइप का कॉइन का नाम मिला है

तो आपको हर जगह पे कॉइन्स तो मिलेंगे बिकॉज कॉइन्स इज क्वाइट ऑर्डिनरी तो वैसे ही अगर वैदिक लिटरेचर में ये लोग कॉइनेज मैंशन कर रहे हैं और उसका नाम भी दे रहे हैं बट उसका कोई हैजिकल एविडेंस हमें नहीं मिल रहा है तो इससे हमने ये डिराइव किया कि इन लोगों को कॉइन्स एज सच नहीं पता थे और पता भी होंगे तो भी इसका जो यूटिलाइजेशन है वो काफी कम होता था तो निक्श इज द अर्लिएस्ट टाइप ऑफ द कॉइन है जो इंडियन हिस्ट्री में मेंशन है फिर earliest type of the coin, जिसके हम लोगों को archaeological evidence मिले हैं, उसको आप बोलोगे punch mark silver coin. तो जो punch mark silver coin है, this belong to century BC. मतलब वैदिक पीरियड खत्म होने के बाद ओके? और इसके हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं तो अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अगर हम लोगों को मिल रहे हैं तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि भाई अभी कॉइन जो है वो लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन में इंडिया में चालू हो गए तो ये जो पंच मार्क सिल्वर कॉइन है ये बेसिकली बेसिकली ऐसे दिखते हैं तो दिस इज अ सिल्वर कॉइन इसको आप गर्म करोगे एंड आफ्टर इसके ऊपर आप कुछ तो मार्क करोगे तो मार्क कैसे करोगे स्टैम्प से करोगे मतलब आप एक पंच मारोगे गॉट इट तो इसके लिए इसको आप क्या बोलोगे पंच मार्क सिल्वर कॉइन बट जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेस है ओके okay, जो कंटेम्प्री सोर्सेस से हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिली है एज पर दैट कंटेम्प्री सोर्स इंफॉर्मेशन ये लोग इस कॉइन को क्या बुलाते थे तो ये लोग बोलते थे कर्षपना, कर्षपना, ओके okay? ये बेसिकली एक कॉमन कॉइन का नाम था कर्पना एंडर आफ्टर एक और नाम हम लोगों को मिला है दैट इज सतनाम शतनाम या फिर सतनाम या फिर कर ये है बेसिकली कॉइन्स के नाम ड्यूरिंग दो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे वो काफी इम्पोर्टेंट है तो इंडो ग्रीक जो है इनके बारे में भी हमने पढ़ा था कि हंड्रेड एंड एटी बी सी के अराउंड ये लोग इंडिया में आना चालू हुए थे नाउ दिस वेर दीपल फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया तो इंडिया में सबसे पहला गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया इंडो ग्रीक ने इंट्रोड्यूस किया था एंड और खासियत है. वो खासियत क्या है? कि इन लोगों ने अपने किंग का जो फेस है वो कॉइन के ऊपर लगाना चालू कर लिया तो किंग के इमेजेस या फिर किंग का जो फेस है वो कॉइन के ऊपर लगाना भी चालू किया और किंग का नाम भी लिखना चालू किया तो इसके वजह से हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिली कि भाई वो कॉइन किसने इशू किया था कौन से किंगडम में इशू हुआ था एंडर आफ्टर वो किंग का नाम क्या था तो ये जो आपके गोल्ड कॉइन है विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर किंग ये ऐसे दिखते थे यू कैन क्लियरली सी ये गोल्ड कॉइन है इसमें एक स्क्रिप्ट है मतलब इन्होंने किंग का नाम यहाँ पे लिख के रखा है एंड किंग की इमेज भी दी है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज है एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न और ये वाला जो पैटर्न है लेटर ऑन ईच एंड एवरी किंग जो है इंडिया में उसने फॉलो किया तो इंडो ग्रीक के बाद और तो देर आफ्टर फिर पहलवाज, देर आफ्टर फिर एंड इंडिया हमारे पास सातवाहना डायनेस्टी थी फिर गुप्ता डायनेस्टी थी एंड देर आफ्टर वर्धन डायनेस्टी तो हर एक डायनेस्टी ने डिफरेंट डिफरेंट कॉइन फिर इशू करना चालू किए थे सिल्वर कॉइन भी है गोल्ड कॉइन भी है सातवाहाना डायनेस्टी इज फेमस फॉर द लीड कॉइन बट इनके कॉइन जब जब, जब इशू होते थे तो उनके कॉइन पे हमको किंग का इमेज मिलता था किंग का नाम भी मिलता था तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली इससे हमें पता चला कि इनके टाइम के के पॉलिटिकल हिस्ट्री बारे में। बिकॉज़ अभी हमें राजा का नाम मिल रहा है राजा इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कनिष्क तो कनिष्क जो है वो कुशाना किंग है ओके okay? कुशानों का राजा है इसका पहले वाला जो टाइम पीरियड जो है वो 78 एडी से लेके 100 एंड एडी से लेके 140 एडी ए कंसिडर किया जाता है बट इसका ये वाला टाइम पीरियड अब गलत है हमें बहुत सारे आर्क्योलॉजी एंड लिटरेरी एविडेंसेस मिले हैं जब कनिष्क में जाएंगे तब देखेंगे अभी इसका जो टाइम पीरियड है वो रफली 140 से लेके 160 एडी के बीच में कंसिडर किया जाता है तो हमको कनिष्क के बारे में कैसे पता चला वन ऑफ़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द कॉइन सिस्टम और कनिष्क के जो कॉइन है वो हमें दो सिटी में सबसे ज्यादा मिले हैं सबसे पहले तो पुरुश्पुरा। पुरुश्पुरा जो है वो है, पेशावर का तो जो पेशावर है पाकिस्तान में उसका एंशियन नाम पुरुषपुरा है एंड आफ्टर फिर मथुरा तो इससे हमने ये कंसिडर कर लिया कि भाई कनिष्क जो है उसका टेरिटरी पुरुषपुरा से लेके मथुरा तक था एंडर आफ्टर पुरुषपुरा एज वेल एज मथुरा ये दोनों कनिष्क की कैपिटल सिटी हुआ करती होंगी मेन कैपिटल पुरुषपुरा एंड सेकेंडरी कैपिटल जो है वो रहेगा आपका मथुरा तो ये जो बेसिकली टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री है ये भी हम लोगों को कॉइनस सिस्टम के वजह से बहुत अच्छे से समझ में आती है तो कॉइन्स का जो अपने हिस्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूशन है ये भी यही से चालू होता है तो एज फार एज सेक्चुअल डाटा इज कंसर्न इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है because this is not something जो आपके या फिर कहीं पे मेंशन उनने सारे कॉइन इशू किए थे कॉपर के भी थे सिल्वर के भी थे गोल्ड के भी थे लीड के भी थे ओके बट अर्लिएस्ट कॉइन कौन सा था हमें पता नहीं आर्कियोलॉजी में हम लोगों को सिल्वर कॉइन सबसे पहले मिले हैं में भी यही कॉइन सबसे ज्यादा चलते थे इन तो के, के बारे में पता चला so, coin, तो गोल्ड कॉइन हम लोगों को पॉलिटिकल हिस्ट्री तो बताता ही है बट गोल्ड कॉइन ऑल्सो टेल्स इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो इकोनॉमिकल हिस्ट्री हमें कैसे पता चलती है mm -hmm. तो बहुत प्लेन एंड सिंपल है आपका जो मेटल है उसकी कुछ एक इंट्रेंसिक वैल्यू भी तो होती है ओके तो यहां पे आपको एक एग्जाम्पल दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा एक कुशाना के गोल्ड कॉइन थे एंड आफ्टर के भी गोल्ड कॉइन थे अब गुप्ताज का जो पीरियड है दैट इज दिस पीरियड ओके ये इनका गोल्डन पीरियड था सबसे अच्छा वाला पीरियड था जबकि कुशाना का जो सबसे गोल्डन पीरियड जो है वो रफली 78 से लेके 78 एट से लेके रफली माना जाता है कि 150 एंड फिफ्टी ये इनका एकदम बढ़िया वाला पीरियड था अब दोनों ने गोल्ड कॉइन हम लोगों को दिए अब फिर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने अंडर आफ्टर हिस्टोरियन ने क्या किया ये गोल्ड कॉइन को मेल्ट करके दोनों में कितना परसेंट ऑफ गोल्ड है ये देख लिया ओके okay? तो उनको ये पता चला कि कुशाना में जितना गोल्ड था इनके कॉइन में उसके से 50 परसेंट गोल्ड जो है वो गुप्ता के कॉइन में था मतलब गुप्ता के कॉइन्स में इम्प्योरिटी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू एक्चुअल गोल्ड ओके तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इकोनॉमी है वो सोसाइटी में डिटेरियोरेट हो रही थी कुशाना के टाइम पे एकदम प्योर गोल्ड कॉइन थे ओके okay? जिसमें बहुत कम इम्प्योरिटीज थी ऑन दी हैंड गुप्ता टाइम में जो गोल्ड कॉइन थे उसमें गोल्ड का परसेंटेज ही कम था गोल्ड के साथ क्या थी मिलावट थी तो उससे हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि गुप्ता के टाइम की जो इकोनॉमी है वो वीक इकोनॉमी थी एंड दैट इज हाउ वी गेट टू नो अबाउट द इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट्स अर्टिकुलर पीरियडी में का भी एकदम बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और अच्छा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दे आफ्टर हमें कल्चर के बारे में भी पता चलता है राइट right? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी के हमारे जो हिंदू गॉड एंड गॉडेस है क्या आपको पता है इनके सबसे पहले इमेजेस इंडिया में कब आए ओके तो इनके सबसे पहले इमेजेस हमें मिलते हैं गुप्ता के कॉइन्स के ऊपर तो हमें गुप्ता के कॉइन्स के ऊपर सरस्वती के इमेज मिले हैं विष्णु के भी इमेजेस मिले हैं तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है वो हमें हमारे कल्चर के बारे में भी बताता है ऑन दी अदर हैंड कंटेम्प्ररी कल्चर के बारे में भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि आप गुप्ता कॉइन ही पकड़ लो तो गुप्ता कॉइन के ऊपर राजा जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए हमें दिखे है

ओके तो नाव आई विल टेक अ ब्रेक इंस्क्रिप्शन पे जाने से पहले अभी तक हमने देखा था कि सोर्सेज दो टाइप के होते हैं आर्किलॉजी एंड लिटररी तो एज फार एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर कंसर्न एक तो आप वर्टिकल या फिर हॉरिजोंटल एक्सकेविशन करके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज निकालोगे और इसमें इंपॉर्टेंट सोर्स कौन से हैं तो बहुत सारे हैं बट एज फार एज एनसीआर कंसर्न तो उन्होंने कुछ कॉइनेज सिस्टम के बारे में हमें बताया है तो वो हमने देख लिया सो ना विल टेक अ मिनट का ब्रेक एंड दर आफ्टर यू कैन आस्क योर डाउट अब ये थोड़ा सा एक मिनट का एक्चुअल में थोड़ा सा ये लैग तो चलता ही है मैं जो बोल रहा हूं वो आपको कम से कम चालीस पचास या फिर एक मिनट के बाद ही आपको दिखाई दे रहा है तो आई टेक अ बिट पॉज ना ओके एंड आफ्टर यू कैन कीप ऑन आस्किंग योर डाउट ठीक है यस ओके वन बाय वन अभी देखेंगे ओके okay? hmm. हाँ. तो सबसे पहले तो मनीष ने पूछा है सर इज एनसीआर सफिशियंट फॉर एंशंट एंड मीडिया नॉट एट ऑल ओके

आयन एज जो है वो नॉर्थ में जब वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था तब आयन एज था साउथ में जो है उसको आप मेगालिथिक बोलोगे ठीक है हाँ yes, आप पहले में क्या करोगे? एक लेयर पूरी की पूरी निकालोगे पूरा का पूरा एंड आफ्टर आपको लगता है कि भाई नीचे वाले लेयर में भी कोई ना कोई तो सेम कल्चर के एविडेंसेस हो तो आप उसको भी निकालना चालू करोगे वर्टिकल में क्या होता है आप डायरेक्टली एक वर्टिकल खड्डा बनाओगे एंडर आफ्टर यू विल सी द डिफरेंट डिफरेंट लेयर वॉट इट किसी फॉर एग्जाम्पल अगर ये वर्टिकल ब्लॉक है आपने यहाँ से खोद लिया तो आपको पहले वाले लेयर पर लेटेस्ट कल्चर मिलेगा फिर नीचे वाले में फिर नीचे वाले में सो so, हरप्पा का आप एग्जाम्पल ले लेना हरप्पा का जब हम लोगों ने वर्टिकल एक्सकर्वेशन किया तो हमें सबसे पहले पता चला कि एक जमाने में ये साइड स्नियोलिथिक सेटलमेंट थी उसके बाद ये चैलकोलिथिक सेटलमेंट बनी और उसके बाद ये हरप्पा बनी हरप्पा में भी एक प्री हरप्पन लोगों को मैच्योर लेयर मिला है दैट इज मैच्योर का लेयर मिला है ओके यस नो 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 वर नॉट द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इन इंडिया गोल्ड कॉइन इज ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू द इंडो ग्रीक इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन इट इज नॉट कुशाना ओके ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपके एग्जाम में एंशियंट इंडिया के सवाल आ रहे हैं देन ऑब्वियसली एंशियंट इंडिया में से आपको एनसीआर में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे ओके okay, हाँ. ये जब आज में जाएंगे तब देखेंगे नॉट राइट नाउ ओके आज हम लोगों के पास पुराना नहीं जाना पुराना हम कब जाएंगे जब गुप्ता वाला चैप्टर होगा तब करेंगे ठीक है नॉट राइट नाउ अभी के लिए स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द चैप्टर प्लीज ठीक है वर्ल्ड hmm. हिस्ट्री में डेफिनेटली नहीं करवाऊंगा ओके बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वो एकदम ही नेग्लीजिबल चीज है एज फार एस यूपीएस कंसर्न मेरा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव हो ये यूपीएससी के एग्जाम का ही है और वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज एक मैक्सिमम पंद्रह मार्क का अगर एक क्वेश्चन आया तो आता है तो उसके लिए तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कम से कम 600 800 या फिर हजार पेजेस के कोई भी जाके बुक पढ़ो कोई फायदा नहीं होगा उसका एंड आई एल सजेस्ट कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे ऊपर इतना फोकस करना भी मत ठीक है यस yes, हाँ ओके ओके सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ओके कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पे अगर कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी आई गिव यू मिनट ठीक है जल्दी जल्दी करना बस थोड़ा सा ठीक है अगर कोई भी और अगर आपका डाउट रहेगा देन यू कैन जस्ट आस्क मी ओके तो कॉइन्स तक आई गेस इट इज क्लियर विल मूव ऑन टू द इंस्क्रिप्शन बट ठीक है अगर कोई आपका डाउट रहेगा इन बिटवीन देन लेट मी नो इज ठीक है जस्ट थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप करना एंड जब डाउट आता है तभी टाइप किया करो बिकॉज आई विल टेक अ मिनट या टू का ब्रेक इन बिटवीन तब आपके मैं सारे के सारे डाउट कवर अप करवा दूंगा ठीक है आई कैन नॉट लुक एट अ स्क्रीन एवरी नाउ एंड देन राइट गाइस प्री में एंशियंट इंडिया से ओके फाइव टू सेवन क्वेश्चन यू कैन एज फार यूपीएससी सिविल सर्विसेज इज कंसर्न हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन आई गेस गेसपन्ना आप पूछना चाहते हो बट एज सच हमारे पास कोई पहला किंग नहीं है जिसने ये गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया है बट हमें गोल्ड कॉइन मिले हैं मनिंदर के मिलिंद ओके हु इज एज वन ऑफ ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग द इंडो ग्रिक हिस्ट्री वाला बुक भी पब्लिश होने वाला है ओके द टीम इज वर्किंग ऑन इट तो आपको उसके अपडेट मिलते रहेंगे बीच बीच में ठीक है हाँ यार इसका पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बताया था राइट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू दिस थिंग ठीक है कि ये जो है ओके okay, मैं आपको दोनों टाइप का इसका कंटेंट प्रोवाइड करूंगा एक तो ये मेरी पीपीटी भी आपको मिल जाएगी एंड पीपीटी के साथ ही आपको क्रक्स मटेरियल भी हम प्रोवाइडिंग ठीक है तो जैसे कि यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर दिस इज चैप्टर थ्री का क्रक्स मटेरियल तो आपका जो चैप्टर थ्री है उसका क्रक्स इंपॉर्टेंट जितने टर्म्स एंड मटेरियल है वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा और आपको ये कहाँ पे मिलेगा फिर यू विल गेट इट ऑन माय चैनल ठीक है तो दिस इज बेसिकली माय चैनल ओके मैं इसको थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ ठीक है तो ऑन दिस चैनल यू विल गेट इट सी एस सी विद साइनल नागरे दिस इज अ टेलीग्राम वाला चैनल यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ठीक है सिंपल तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दैट आई एम गोइंग टू इट बिफोर द लेक्चर इट ताकि आपको थोड़ी पढ़ने में आसानी हो तो जैसे मेरे लेक्चर के चार पांच दस मिनट पहले ये पहले ही अपलोड हो चुका है सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देअर ठीक है तो लेट्स गो देन हम आगे बढ़ेंगे फिर अगर और कोई डाउट नहीं रहेगा तो मीन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन कीप ऑन टाइपिंग द ठीक है

इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं अब ये देखेंगे कि ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्यों होते हैं बिकॉज इंस्क्रिप्शन में हमें कोई भी इंटरपोलेशन या फिर एक्स्ट्रा नहीं मिलता तो फॉर अब वैदिक एज में एक बुक बना ओके okay? क्या हमारे पास वही बुक आज अवेलेबल है क्या नहीं है तो ऋग वेदा हो साम वेद यजुर्वेद अथर्वेद इनके हमारे पास 11, 12 सेंचुरी ईडी के एडिशन अवेलेबल है क्यों बिकॉज वैदिक एज के बाद जितने भी बड़े बड़े किंग आए उन्होंने वो पहले वाले बुक जो है उनको खराब कर दिया उनको फेंक दिया और उन्होंने अपना नया वर्जन उसके ऊपर बना दिया तो प्रॉब्लम क्या हुआ जो ओरिजिनल बुक है उसमें बहुत सारे इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन हुआ है एग्जाम्पल भी है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल महाभारत ओके ये महाभारत जो है इसका एक्चुअल नाम था जया ओके okay? ये जया का बन गया विजया एंड विजया का बन गया भारत एंड भारत का बन गया महाभारत तो ये जब जया था तब इट वॉज ओनली द टेक्स्ट फोर थाउजेंड श्लोका एंड जब ये महाभारत तो महा बना तो भी ये बना एक लाख श्लोका का टेक्स्ट तो इससे हमें ये तो पता चलता महाभारत में चीज लिख के ही रखिए कि ओरिजिनल वर्जन अलग है एंड लेटर ऑन इसमें बहुत सारे एडिशंस हमने किए हैं बट इट इज वेरी मच डिफिकल्ट कौन सा वर्जन जो है वो नया है कौन सा वर्जन जो है, वो पुराना है। aspect, क्या हम लोग उसको नहीं हुई मानते हैं एज लॉन्ग एज हम लोगों को इंस्क्रिप्शन को तो okay, पकड़ के चलिए इंस्क्रिप्शन मतलब आपने से फॉर एक्साम्पल पत्थर पे लिख के रख लिया तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन अब अशोक ने ये पत्थर के ऊपर कुछ ना कुछ तो चीजें लिख के रखी है आपके पास पीपीटी है यू कैन इट एंड सी अब इसके ऊपर कुछ भी लिखा है अब इसमें आपको एडिशन डिलीशन करने हैं तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज जो है उसको एक तो पूरा का पूरा रफ आउट करना पड़ेगा तो भी मुझे पता चलेगा या फिर कहीं तो साइड वाइड में लिखना पड़ेगा तो भी मुझे पता चलेगा दैट्स इज इंस्क्रिप्शन जो है वो अगेन काफी वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं क्योंकि इसमें अगर कोई एडिशन डिलीशन कोई बंदा कर रहा है तो वो एडिशन एंड डिलीशन मुझे एकदम इजीली आसानी से समझ में आ जाता है है एंड इंस्क्रिप्शन जो वो हमेशा वाइटल सोर्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं तो आर्क्योलॉजिस्ट जब एक्सकेविशन करेंगे तब हमेशा इंस्क्रिप्शन ढूंढने के पीछे लगे रहते हैं रेदर देन लिटरेरी बुक इंस्क्रिप्शन जो है उसको हमेशा अच्छा सोर्स माना जाता है बिकॉज इसमें एडिशन एंड डिलीशन जो है वो आसानी से समझ में आ जाते हैं ओके okay? चलो देन वन बाय वन सबसे पहले अभी इंस्क्रिप्शन देखेंगे द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज एंड जो इंस्क्रिप्शन में जो राइटिंग है अगर आप उसका स्टडी कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे पेलियोग्राफी तो इंस्क्रिप्शन का अभ्यास आप कर रहे हो तो उसको आप एपीग्राफी बोलोगे और उसमें जो लिखावट है कि कौन से स्क्रिप्ट यूज की है स्क्रिप्ट के ऊपर आपको कुछ नॉलेज गेन करना है तो उसका आप स्टडी कर रहे हो तो उसका आप बोलोगे पैलियोग्राफी और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ पे सब मिलेंगे द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ इंस्क्रिप्शन इंडिया में हम लोगों को जो मिले हैं वो है हरप्पा के तो हरप्पा के टाइम पे हमने देखा था मतलब पहले लेक्चर में जब मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा था तो हरप्पा की स्क्रिप्ट जो है वो अनडिसाइफ है इसके लिए हम हरप्पा को प्रोटो हिस्ट्री भी मानते हैं राइट तो हरप्पा का जो पीरियड है या फिर हरप्पन स्क्रिप्ट जो है वो बिज स्क्रिप्ट जो है वो ऐसे दिखती है एंड यू कैन क्लियरली सी कि हरप्पा के सील हुआ करते थे ओके okay? और ये सील में यू कैन क्लियरली सी सर्टन टाइप ऑफ द राइटिंग इज देयर ओके ये जो राइटिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज द अर्येस्ट फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट अवेलेबल इन इंडिया तो ये जो स्क्रिप्ट है हरप्पा की हमें भले ही पढ़ने ना आती हो ओके okay? इसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रहा है बट जिस दिन हमें ये पढ़ने आएगी तो उस दिन हम इससे हरप्पन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं बिकॉज अगर ये इंस्क्राइब करके रखी है ये इंस्क्रिप्शनल फॉर्म में है तो मतलब इसमें कोई भी एडिशन या फिर डिलीशन करेगा तो वो हमें समझ में आता है एंड वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे कोई एडिशन एंड डिलीशन नहीं है मतलब उन लोगों ने जो लिख के रखा है वैसे की वैसे लिखावट हमारे पास पास ऑन हुई है तो स्क्रिप्ट जो है वो हरप्पा के सील के ऊपर बनती है हरप्पा की जो सील्स है वो बेसिकली स्टी टाइट के बनते थे तो स्टी टाइट ये सबसे कॉमन स्टोन है जिसके बेसिकली ये आपके जो सील है वो बनते थे तो इसमें आपको एक एनिमल मोटिव मिलेगा मतलब आपको एक जानवर का एक चिन्ह मिलेगा एंड कुछ स्क्रिप्ट मिलेगी तो हम हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि यूजली ये हरप्पा ट्रेड के लिए यूज करता होगा बट दैट इज समथिंग फॉर द लेटर लेक्चर नॉट राइट नाउ तो ये हरप्पन स्क्रिप्ट हम लोगों को मिली है तो हरप्पन इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है तो हरप्पा की लैंग्वेज हम लोगों को समझ नहीं आती बट हरप्पा के बाद वैदिक पीरियड आया तो वैदिक पीरियड एंड मौर्यन पीरियड में जो इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिले हैं वैदिक पीरियड के नहीं मिले हैं मौर्यन पीरियड में हम लोगों को कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं और उससे हमें ये पता चला है कि मौर्यन पीरियड के जो इंस्क्रिप्शन है वो प्रकृत लैंग्वेज के थे तो अर्लीस्ट लैंग्वेज यूज इन इंस्क्रिप्शन वॉज प्रकृत एंड लेटर ऑन प्रकृत वॉज रिप्लेस बाय संस्कृत तो लेटर वेदिकेज दर आफ्टर महाजनपद एंड दर आफ्टर मौर्य इन टाइम के हम लोगों को जो भी लिखावट के एविडेंसेस मिले हैं मेजोरिटी ऑफ were इन प्रकृत बट फर्स्ट सेंचुरी A.D onward ऑनवर्ड हम लोगों को पता चला है कि जो इंस्क्रिप्शन है उसमें संस्कृत लैंग्वेज यूज की जा रही है तो so, इंडिया की सबसे पहली या फिर अर्लिएस्ट रिटर्न लैंग्वेज अगर कोई होगी तो इट इज़ नॉट संस्कृत इट इज प्रकृत बिकॉज इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे पहले प्रकृत में लिखे गए हैं एंड डेर आफ्टर संस्कृत में वो लिखे गए हैं संस्कृत इंस्क्रिप्शन के जो एविडेंस है हमें फर्स्ट सेंचुरी एडी डी ऑनवर्ड मिलते हैं जबकि प्रकृत इंस्क्रिप्शन के एविडेंसेस हैं वो हमें थर्ड सेंचुरी बीसी से ही इंडिया में मिलते हैं मतलब चार साल पहले से ही प्रकृत यूज हो रही है एंड उसके बाद में फिर संस्कृत है वो चलन में आई एंड उसका जो इस्तेमाल है वो सोसाइटी में बढ़ा तो लैंग्वेज के बारे में भी हमें पता चलता है कि इंडिया में लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुई तो प्रकृत देर आफ्टर संस्कृत एंड देर आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस डेवलप्ड इन इंडिया एंड ऑन द अदर हैंड ये जो स्क्रिप्ट है जब आप उसका पढ़ाई करोगे तो उससे आपको बहुत सारी कंटेम्प्ररी चीज़ों के बारे में पता चलेगा हरप्पन्स के बारे में तो हमें नहीं पता चला बट अशोका का जो स्क्रिप्ट है वो तो हमें पढ़ने आता है अशोका ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन पिलर इंस्क्रिप्शन में एंडर आफ्टर रॉक एडिक में अच्छे से के रखी है तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अशोका के टाइम पे पता चली है कौन सी कौन सी इन्फॉर्मेशन पता चली है फिर तो फॉर एग्जाम्पल अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा अशोका की ब्यूरोक्रेसी अशोका के टाइम पे सोसाइटी कैसी थी ये सारी इन्फॉर्मेशन तो जब चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे आप तो बस ऊपर ऊपर से ही देखना है सोर्सेस के बारे में एंड फिर ये जो इंस्क्रिप्शन है उससे हम लोगों को क्या वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले ईरान मतलब तब का पर्शिया अभी का मॉडर्न डे ईरान तो ईरान के इंस्क्रिप्शन में हमें सबसे पहले इंडिया के बारे में पता चलता है जब व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंधु एरिया नाउ यू कैन से दैट कि ईरान के लोगों को दैट इज पर्शिया एंड इवन सेंट्रल एशिया के लोगों को तब टाइम और उस टाइम पे ये स प्रोनाउंस करना नहीं आता था तो स को वो ह करके बुलाते थे एंड दैट्स व सिंधु का बन गया हिंदू तो ये जो ईरानियन इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है कि द ग्रेट डेड्रेड ग्रेट, उसने 518 सी में गांधारा कैप्चर कर लिया था एंड गांधारा वॉज द पार्ट ऑफ दरानियन किंगडम एट दैट टाइम गांधारा मतलब अभी का जो रफली झेलम तक का एरिया है पाकिस्तान का पाकिस्तान से आप देखोगे तो, तो का एरिया इसका जो कैपिटल है वो उस टाइम पे तक्षशिला हुआ करता था तो हमें ईरान ईरानियन इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है वैसे ही अलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन इज आल्सो क्वाइट फेमस अलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन फेमस इसीलिए है बिकॉज ये अलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन बनाया था अशोका ने और अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिख के रखे हैं देर आफ्टर समुद्र ओके किंग ऑफ मगध फ्रॉम थ्री हंड्रेड एंड एटी थ्री हंड्रेड एंड थर्टी फाइव से लेकर थ्री हंड्रेड एंड एटी फाइव एडी के बीच में तो इसके भी इंस्क्रिप्शन हम लोगों को इसी पिलर पे मिले हैं एंड देर आफ्टर इट इज इंटरेस्टिंग जहांगीर ओके मुगल किंग ऑफ इंडिया इन बिटवीन सिक्स हंड्रेड एंड फाइव से लेके सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री तक ओके रफली दिस वॉज द पीरियड तो उसके टाइम पे भी हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिली है दैट इज जहांगीर के इंस्क्रिप्शन भी हम लोगों को इस पर्टिकुलर पिलर पे मिले हैं तो मतलब एक ही पिलर है और उसमें तीन इंडिया के जो बड़े किंग है उसके इंस्क्रिप्शन हमको मिले हैं तो इट क्लियरली शोज कि भाई क्रोनोलॉजिकल एविडेंसेस या फिर क्रोनोलॉजी भी हम लोगों को पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलती है एंड ऑन दी अदर हैंड फिर बहुत सारे डोनेटिव रिकॉर्ड है जिसके ऊपर हम लोग लेटर ऑन चैप्टर्स में पढ़ेंगे ही तो ये डोनेटरी रिकॉर्ड होंगे टेम्पल वॉल के इंस्क्रिप्शन है इसके वजह से हमें कंटेम्प्ररी सोसाइटी इकोनॉमी एंड पॉलिटी की इंफॉर्मेशन मिलती ही रहती है तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। तो इंस्क्रिप्शन तो से हम लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन यूजुअली मिलती है तो अगेन इन नटल ओके अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो दो टाइप के एविडेंसेस है दैट इज आर्कियोलॉजी एंड लिटरेचर तो एज फार एज आर्क्योलॉजिकल कंसर्न आप तो एक सीधा खोदिये या फिर आप हॉरिजोंटली खोदिये तो वर्टिकल एक्सकेवेशन एंडल एक्सकेवेशन एंड उससे हम लोगों को कुछ कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जैसे coins, तो coins से हमें क्या क्या पता चला वो हमने देखा एंडर आफ्टर इंस्क्रिप्शन तो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या पता चला वो भी हम लोगों ने देख लिया तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर इसमें अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो अगर एक्सकेवेटरी एविडेंसेस के बारे में अगर आपको कुछ और पूछना है या फिर इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन लेट मी नो अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज लिटरेरी एविडेंसेस ठीक है यस yes. हाँ. जहांगीर 600 एडी में तो मैंने आपको बताया नहीं ना जहांगीर का जो पीरियड है 1605 से लेके 1623 26 ये रफ पीरियड है 1600 नॉट 600 1600 की बात की मैंने ओके यस ओके हम्म इसका पीडीएफ तो मैंने आपको बोल दिया था ऑप्शनल के बारे आपको end में आपको एंड में बताऊंगा मैं डोंट वरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको तो मैं कवर अप करवाऊंगा देखो इट्स अ अ स्लो स्लो ड्रॉन ड्रॉन प्रोसेस प्रोसेस यूपीएससी इज ऑलवेज एंड इंटरव्यू साल भर का प्रोसेस है राइट तो so वैसे ही अब एक 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 चैप्टर करके मैं डेली बेसिस पे आगे बढ़ता रहूंगा ओके माई ड्यूटी ओवर हियर इज दैट टू कंटिन्यू दिस सीरीज ऑन अ डेली बेसिस वीकली एक छुट्टी ऑब्वियसली मैं लूंगा मोस्ट प्रोबली संडे को बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो मैं डेली बेसिस पे करवा रहूंगा ऐसे ही मैं आपका सतीश चंद्रा भी कंप्लीट करवाऊंगा और ऐसे ही आपका बिपिन चंद्रा जो इंडिया है, वो कवर कवरअप करवा दूंगा नाउ इट विलरीज तो अभी ये वाले मंथ में एंशियंट करेंगे अगले वाले मंथ में मीडियावेल करेंगे एंडर आफ्टर जानवरी जब पीक पीरियड जब होगा तो मॉडर्न पर जाएंगे अभी से मॉडर्न पर जाके मैं करूँ क्या सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये सीरीज चालू करने के पीछे का रीजन भी मेरा वही है कि बच्चे एंशियंट मीडियावल करते ही नहीं है स्किप कर देते हैं मॉडर्न एकदम पार्ट है एकदम फालतू पार्ट है वो तो सबको आता है यार ठीक है एकदम मतलब इजिएस्ट टाइप ऑफ द पार्ट यू कैन कैनडर और उसके ऊपर यूपीएससी ने अब तो सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछ लिए थे लास्ट ईयर तो मतलब यूपीएससी का ट्रेंड भी जो है वो मॉडर्न इंडिया के अब अगेंस्ट जाना चालू हो गया है तो अभी आपको एंशियंट मीडिया पे फोकस करना है अभी टाइम भी है जैन में टाइम नहीं रहेगा तो अभी एंशियंट मीडियल पे ही मैं फोकस रखूंगा एंड आई विल कवर अप अपशियंट एंड ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट टू मंथ ओके तो ये मॉडर्न अब वापस मत पूछना मेरे को तीन दिन आप लोगों ने मॉडर्न पूछ पूछ के परेशान कर दिया ओके गुप्ता हैज वीक बट कॉल्ड एज अ गोल्डन गोल्डन पीरियड पीरियड देखो जो है उसके कुछ पैरामीटर होते हैं आप गोल्डन पीरियड तभी बोलोगे जब उसकी सिर्फ इकोनॉमी नहीं तो पॉलिटी सोसाइटी आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर सब में कुछ अच्छे डेवलपमेंट हुए तो गुप्ता टाइम में इन सब में कुछ कुछ अच्छे डेवलपमेंट हुए इकोनॉमी में थोड़ी सी गड़बड़ हुई ओके तो वो जब गुप्ता में जाएंगे तब देखेंगे ठीक है यस एथनो आर्क्योलॉजी इतना इन डिटेल जाके मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला दैट इज फॉर द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ओके हाँ महाराज महाभारत के कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हम लोगों को एस सच नहीं मिले हैं बट जो सिमिलरिटी नेम है वो आज आप आज भी देख सकते हो जैसे इंद्रप्रस्थ है दिल्ली में गुरुग्राम गुड़गांव जहां पे मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ मतलब द्रोणाचार्य का गांव राइट तो वैसे ही आपको हस्तिनापुर आज भी मिलेगा डिस्ट्रिक्ट मेरठ में मीरठ इन उत्तर प्रदेश तो आर्क्योलॉजिकल एविडेंसेस हम लोगों को महाभारता के सच नहीं मिले हैं बट महाभारत में जो कैरेक्टर एंड प्लेसेस के नाम यूज किए हैं वो तो आज भी चल रहे हैं तो अल्टीमेटली हमने यही कंसिडर किया कि महाभारत का वॉर हुआ होगा बट उसको जो हम लोगों ने भगवान के साथ इक्वेट किया है, that is Godly power के साथ इक्वेट किया है वो गलत चीज है ना, 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 okay? ये ईरान इंस्क्रिप्शन है वो मध्य प्रदेश वाला है ओके okay? ईरान मतलब मॉडर्न डे पर्शिया राइट अयातुल्ला वाला ईरान ये पाकिस्तान के बाजू वाला है और ये जो ईरान है इट इज अ टाउन ओके टाउन अभी के मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में है ये फेमस इसी के लिए है बिकॉज 510 हंड्रेड एडी का यहाँ पे एक स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें मिला है और ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है इट इज कंसिडर्ड एज दर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन जिसपे सती प्रथा इंडिया में सबसे पहले मेंशन है ओके okay? यस yes. हाँ रिपीट गांधारा देखो एज पर एज गांधारा इज कंसर्न देन गांधारा जो है वो पाकिस्तान का आज का झेलम तक का एरिया आता है तो इंडस

तो अकबर के मरने के तीन चार साल पहले से ही जहांगीर ने अपना राजपाट चलाना चालू कर लिया था बट अकबर डाइड इन 1605, ठीक है? ओके, हाँ, ओके, है ना ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है एंशियंट टाइम पे हम लोगों को ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जहां पे हिंदू किंग्स ने स्तूपा गिरा के टेम्पल बांधा है बुद्धिस्ट किंग ने टेम्पल गिरा के वहां पे स्तूपा बांधा तो ऐसा कोई एस सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ठीक है ओके नोट्स प्रिपेयर करने की देखो एस एच कोई जरूरत है नहीं मैं तो दे ही रहा हूँ ना आपको क्रक्स मटेरियल अपार्ट फ्रॉम दिस वो दूसरा वाला जो क्रक्स मटेरियल जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वही कर लेना मोर देन सफिशियंट है एक 74 पेजेस का मटेरियल बन चुका है वो अल्टीमेटली तो वो 74 पेजेस में आपका वो सारा एनसीईआरटी कवर अप हो जाएगा ओके यस हाँ देखो आई एम नॉट गोइंग इनटू टू माईथोलॉजी हिस्ट्री में दो चीजें होती है आपको समझनी पड़ेगी ओके okay? हिस्ट्री में हम लोगों को कुछ एविडेंसेस मिले हैं जो एविडेंसेस ट्रू है उसको आप बोलोगे इतिहास और हिस्ट्री जो एविडेंस अभी भी डिबेटेबल है या फिर जिसको हम ट्रू कंसिडर नहीं करते उसको आप बोलोगे मिथ तो श्री कृष्ण महाभारत रामायण दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन माइथोलॉजी मतलब इसको मिथ कंसिडर किया जाता है हमको इनके कुछ कुछ एविडेंसेज डेफिनेटली मिले हैं बट वो सच है या नहीं इसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रही है तो आम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन माइथोलॉजी फॉर दैट ठीक है यस ओके सो आई होप क्लियर सो आई मूव फॉरवर्ड डेन ओके गाइस थैंक यू चलो विल मूव फॉरवर्ड डेन ओके नाव विल गो टू दिट्ररी सोर्सेज तो जैसे आर्क्योलॉजिकल सोर्सेस हमने देखे थे तो वैसे ही लिटररी सोर्सेस अब लिटररी सोर्सेज के लिए आपको आप लिखने की जरूरत पड़ती है तो अगर आप लिखने की सोर्सेस अगर जरूरत पड़ेगी तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू हिस्टोरिकल पीरियड तो ट्रू हिस्टोरिकल पीरियड है इसके पहले हमने देखा था प्री हिस्ट्री हिस्ट्री थी थी हमारे पास, and thereafter हमारे पास पास एंड आफ्टर प्रोटो ओके तो प्री हिस्ट्री मतलब पैलियोलिथिक मेजोलिथिक न्यूलिथिक चैलकोलिथिक प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास हरप्पन सिविलाइजेशन आती है ये मैंने पहले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था सारी चीजें तो अब हिस्ट्री का जन्म जो है इंडिया में वो सबसे पहले कहाँ से हुआ तो वैदिक लिटरेचर ऑनवर्ड तो ये जो आपको दिख रहे तो ये जब ने वेदाज लिखना चालू किया तो ये हम कंसिडर करते हैं कि इंडिया का इतिहास या फिर हिस्ट्री जो है वो यहाँ से चालू हुई तो आर्यन का पीरियड जो है इंडिया में वन थाउजेंड से चालू होता है बट आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि इनिशियल लेवल पे आर्यंस जो है उनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृतिक टाइप की लैंग्वेज थी बट आर्यस को भी लिखना नहीं आता था एंड दैट्स वाई वो जो वैदिक लिटरेचर है वो जनरेशन टू जनरेशन ओरल फॉर्म में ट्रांसफर करते थे तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये वैदिक नॉलेज ओरल फॉर्म में ट्रांसफर होता था गॉट इट और ये जब ओरल फॉर्म में ट्रांसफर होता था इसी के लिए ये जो वेदिक पीरियड है या फिर वेदाज जो है इसको ना हम लोग श्रुति भी बुलाते हैं ओके दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ श्रुति लिटरेचर ये श्रुति इसीलिए बुलाया जाता है इसको बिकॉज़ अल्टीमेटली इट इज समथिंग दैट इज हर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इन ओरल फॉर्मेट एंड अल्टीमेटली ये लिखने का काम जो है ये हम कंसीडर करते हैं कि 600 बीसी ऑनवर्ड चालू हुआ तो इंडिया में लिखने का तरीका 600 सौ बीसी तक तो हम लोगों को कोई एविडेंसेस नहीं हिस्ट्री एक्सैक्टली का अलग -अलग exactly कब से चालू हुई तो आप 1500 हंड्रेड बी भी कंसिडर कर सकते हो या फिर 600 हंड्रेड बी भी कंसिडर कर सकते हो और दोनों भी अपने अपने लेवल पे सही आंसर रहेगा ओके तो 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 ये ये जो जो लिटरेचर है 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 वो बेसिकली चार टाइप का होता है हमारे पास सामवेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद तो में हाइम्स मंत्रा है. आया तो मंत्रा आफ्टर फिर आपका उसका एक बोलने का तरीका होता है टोन होता है ट्यून होती है तो वो आपको मिलेगा अथर्वेदा तो जो यजुर्वेदा जो है ओके, इट इज अ सैक्रिफिशियल बुक तो अगर आप मंत्रा परफॉर्म कर रहे हो तो मंत्रा के साथ साथ बुक जो है इट थ्रोज प्रैक्टिस ऑन द बिलीफ ऑफ नॉन आर्यन तो सोसाइटी तो में उस टाइम पे आर्यन के साथ साथ नॉन आर्यन भी तो थे तो नॉन आर्यन लोग कैसे रहते थे एंड फिर नॉन आर्यन लोगों के लिए इन्होंने कुछ मैजिकल स्पेल मतलब ब्लैक मैजिक जैसी चीजें जो है वो भी अथर्व में डाल के रखी है एंड अल्टीमेटली okay? okay, जैसे सोसाइटी में इवोल्यूशन हुआ तो कुछ एंड में चैप्टर एड किए गए तो ये जो चार वेदाज जो है हमने देखे थे हर एक वेदा का जो एंड चैप्टर है वो आपको मिलेगा ब्राह्मणा आफ्टर अरण्य का एंड देर आफ्टर उपनिषद अब बाद में सारी चीजें इन डिटेल देखनी अभी तो ऊपर ऊपर ही समझो तो हर एक वेदा का जो लास्ट चैप्टर है वो मिलेगा आपको ब्राह्मणा ब्राह्मणा का एंड में अरण्य का अरण्य का के एंड में आपको मिलेगा उपनिषदा एंड ये जो उपनिषदा है इसी को आप बोलोगे वेदांत बिकॉज हर एक वेदा का जो लास्ट चैप्टर है मतलब वेद का अंत कहाँ पे हो रहा है तो उपनिषदा में हो रहा है तो ये जो उपनिषदा एंड आफ्टर वेदा जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है वेदिक पीरियड की दैट इज 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में एंड एट द सेम टाइम ओके हमारे पास एपिक भी है हमारे पास दो एपिक है दैट इज रामायणा एंड महाभारत तो महाभारत एंड रामायणा जो है इसको हम लोग एपिक कंसिडर करते हैं दैट इज पार्ट ऑफ द हिंदू माइथोलॉजी कंसिडर करते हैं बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ कुछ एविडेंसेस तो हम लोगों को मिले हैं बट यार कुछ कुछ एविडेंसेस के के वजह से आप पूरे के पूरे बुक को तो सही नहीं बोल सकते राइट right? हर एक चीज का एविडेंस मिलना जरूरी होता है हर एक चीज का प्रमाण मिलना जरूरी होता है तभी जाके आप इन चीजों को सही मानोगे तो एज अ हिस्टोरियन या फिर एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपको ये चीज समझनी है कि ये जो बुक है वो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो असली कैरेक्टर के आजू बाजू में ही रचे हुए बुक है बट लेटर ऑन ओके जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी तो लेटर ऑन इसको ओके okay, गॉडली फिगर से इक्वेट करने का तो रावण भी ये किंग थे क्या देन यस ऑब्वियसली ये थे बट राम सही में विष्णु का अवतार था क्या फिर कृष्णा ने सही में अपना दस सर वाला जो रूप है वो अर्जुना को बैटलफील्ड में दिखाया था क्या ये पार्ट होता है माइथोलॉजी का ओके okay? तो दिस इज समी ए एपिक मतलब पार्ट ऑफ द माइथोलॉजी तो इससे भी हम लोगों को पीरियड ऑफ़ टाइम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड वेदांग, तो वेदांग मतलब तो ओके okay, कुछ एडिशन किए गए जिसको आप बोलोगे वेदांत तो जब गुप्ता पीरियड में जाएंगे तब तो इन डिटेल में समझेंगे बट शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष ये जो सिक्स जो है इसमें भी हमें contemporary social, economical political aspect की information मिलती है तो दिस इज समिंग रिलेटेड टू द लिटररी सोर्सेस ऊपर ऊपर से ही समझना है इन डिटेल तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोज भी लिए है वेदिक लिटरेचर के ऊपर तो जस्ट सर्च फॉर इट स्टडी आई की वेदिक लिटरेचर आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा या फिर जब तक चैप्टर नहीं आता तब तक वेट कीजिए फिर ओके देर आफ्टर फिर पोस्ट वेदिक पीरियड के भी हम लोगों को कुछ कुछ एविडेंसेस मिले हैं ओके okay? अब पोस्ट वेदिक पीरियड में हम लोगों को कौन से बुक मिले हैं तो हम लोगों को मिला है श्रोता सूत्र गृह सूत्र एंड सुलवा सूत्र तो सूत्र इज बेसिकली प्रिंसिपल तो सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ द हाउस होल्ड लाइफ एंड दर आफ्टर रिचुअलिस्टिक लाइफ जिसको क्यूमलेटिवली आप बोलोगे श्रोता सूत्र गृह सूत्र एंड सुलवा सूत्र तो ये बेसिकली बुक जो है वो सिक्स सेंचुरी बीसी महाजनपदा पीरियड की इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करती है तो महाजनपदा में हम लोगों को लिटरेरी सोर्सेस मिले हैं देर आफ्टर फिर फोर्थ सेंचुरी बीसी से लेके सेकेंड सेंचुरी बीसी सॉरी नॉट फोर्थ तो सिक्स सेंचुरी बी सी से लेके फोर्थ सॉरी सेकेंड सेंचुरी बी सी तक हम लोगों को बहुत सारे बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मिले हैं तो बुद्धिज्म में हम लोगों को त्रिपिता का मिली है दैट इज सुने विनय पिता का सत्य पिता का एंड अभिधाम पिता का सब इन डिटेल में बाद में देखना अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेस कौन से कौन से हैं तो विनय पिता का सत्य पिता का एंड अभिधाम पिता का ये जो तीन बुक है इसको आप क्यूमुलेटिवली बोलोगे त्रिपिता का तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द बुद्धिस्त लिटरेचर है एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर मतलब बुद्धाज ने जो लिटरेचर लिख के रखा है उसमें वो हमेशा जो है पाली लैंग्वेज यूज करते थे एंड इन्होंने जो हमारे लिए त्रिपिता का छोड़ी है अपार्ट फ्रॉम दैट अशोक वंदना दिव्य वंदना फिर महावंशा इज देयर तो ये सारे जो बुक्स है इससे हम लोगों को सिक्स सेंचुरी बी से लेके फोर्थ सेंचुरी बी तक का बहुत सारा नॉलेज जो है वो मिला है एंड ऑन दी टाइम में जैन ने भी कुछ बुक्स लिखे थे तो जैन के जो फॉलोवर है ओके okay, उन्होंने प्रकृत लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट लिख के रखे हैं तो इसके ऊपर यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछ भी लिया है और ये आपको भी पता होना चाहिए कि बुद्धा के जो सोर्स है उसका लैंग्वेज कौन सा है तो पाली है ऑन दी अदर हैंड जैना का सोर्स है वो कौन सा है तो प्रकृत है ओके okay? तो लैंग्वेज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वैसे ही वैदिक लिटरेचर का लैंग्वेज कौन सा है तो संस्कृत है तो संस्कृत लैंग्वेज में क्या है पाली लैंग्वेज में क्या है प्रकृत लैंग्वेज में क्या है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो ये सारी जो चीजें हैं दैट दैट इज इज समथिंग टोल्ड टू अस हिस्टोरियन बेसिकली और द कंटेम्प्री लिटरेरी लिटरेरी सोर्सेस एंडर आफ्टर हमारे पास फिर कुछ कुछ सेक्युलर लिटरेचर भी है सेक्युलर लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से बुक्स हैं तो ये वाले बुक्स हैं जिसके ऊपर यूपीएससी यूजअली सवाल पूछता है पूछ भी चुका है राइट right? अभी पिछले साल दैट इज 2021 में यूपीएससी ने पूछ लिया था पानीनीज आफ्टर पतंजलि के महाभाष्य पे राइट right? तो पानीनीष्टी एंड पतंजलि महाभाष्य इंपॉर्टेंट बुक है एंड आफ्टर फिर अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य जिसके ऊपर भी सवाल पूछ चुका है यूपीएससी की स्लेवरी सिस्टम ऑफ द कौटिल्य राइट right? तो ये वाले जो बुक है इसके बारे में भी इन डिटेल लेटर ऑन पढ़ना है बट अभी के लिए कुछ फैक्चुअल डाटा तो कौटिल्यन अर्थशास्त्र जो है उत्चंद्र गुप्त मौर्य के टाइम पे लिखे हुए बुक है चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम किंग ऑफ मगध डायनेस्टी इन 321 एंड ही डाइड इन 297 बीसी ओके देयर आफ्टर अष्टाध्यायी और पाणिनी जो है वो बाद में आया हुआ बुक है उसके पहले आया हुआ बुक है पतंजलिस सॉरी पाणिनी का अष्टाध्यायी पहले सॉरी माय मिस्टेक तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनी इट वॉज रिटन इन फोर्थ सेंचुरी बी सी तो अराउंडी बी सी लिखा है एंड आफ्टर दिस द अर्लियस्ट बुक ऑन द संस्कृत ग्रामर तो संस्कृत ग्रामर का इंडिया में सबसे अर्लिएस्ट बुक जो है वो अष्टाध्यायी का पाणिनी है ओके सॉरी पाणिनी का अष्टाध्यायी है एंड ये वाला जो बुक है इसी के ऊपर बाद में अप्रोक्सिमेटली तीन साल बाद पतंजलि ने अपना एक बुक लिखा है और उस पर्टिकुलर बुक का नाम है महाभाष्य ओके okay? सो so, महाभाष्य इज महाभाष्यल्सो क्वाइट फेमस तो पतंजलि ने जस्ट कंपेयर किया है कि भाई पानीनी ने जो अपना ग्रामर दिया है वो अब 300 साल पहले वाला है तो अभी ग्रामर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं तो जो चेंजेस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको महाभाष्य में और ये जो पतंजलि है ओके okay, ये पतंजलि जो है ही वॉज बेसिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुष्यमित्र शुंगा एंड पुष्यमित्र शुंगा इज फेमस फॉर ओवर थ्रोइंग मौर्यन डायनेस्टी इन हंड्रेड एंड एटी एट बी सी तो मगध में जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो मौर्यन डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके उसके जगह पे शुंगा डायनेस्टी लाने का काम किया था पुष्यमित्र शुंगा ने एंड जैसे ही पुष्यमित्र शुंगा बिकेम द किंग उसने एक अश्वमित सेक्रीफाइस परफॉर्म की थी वो अश्वमेफाइस का जो ऑफिशियल प्रीस्ट जो था पुरोहित जो था वो था पतंजलि एंड पतंजलि का ही एक बुक हमें मिला है दैट इज महाभाष्य ये जो महाभाष्य बुक है ये कमेंट्री है ऑन पानी अष्टाध्यायी ओके सो दिस समथिंग रिलेटेड टू दोर्सेस ऑफ पीरियड ऑफ द टाइम एंड आफ्टर फिर पोस्ट मोरियन टाइम पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं जैसे भाषा इज देर शुद्रक इज देर कालीसा इज देयर एंड भाना भट्ट इज ऑल्सो देयर तो इन दोनों में भाषा जो है एंड एंडर शुद्र का जो है ये समवेयर अराउंड प्री गुप्ता गुप्ता पीरियड में हुआ करते थे ओके okay? काली दासा जो है वो गुप्ता पीरियड में ही हुआ करता था एंड भाना भट्ट है वो कोर्ट पोएट था हर्षवर्धन का ओके okay? तो इनके भी सारे बुक जो है वो हमारे पास अवेलेबल है इन नटशल ये पर्टिकुलर बुक में हम, ये पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या मिल रहा है तो एक ओवरव्यू मिल रहा है कि भाई हिस्ट्री हमने कंस्ट्रक्ट कैसे की है तो कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड कुछ एविडेंरी एविडेंसेस इनके मिलके हमने ये हिस्ट्री जो है वो डीकोड की है और हिस्ट्री डी करने के लिए आपको ये कंटेम्प्ररी सोर्सेस समझना काफी इम्पोर्टेंट है तो ये चैप्टर में तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे के रखी है अब जब हम लोग एक एक चैप्टर में जाएंगे तब तो ये सारे सोर्सेस है वो वापस आएंगे तो वो सोर्सेस का फैक्चुअल डिटेल

और दूसरा होता है पुट्टू पुट्टू तो ये जो एंड पुट्टू पुट्टू है इसके बीच का डिफरेंस भी आई विल टेल यू वंस वी गो इन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में संगम लिटरेचर के बारे में कुछ बताया नहीं है बट संगम लिटरेचर के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ फैक्चुअल डाटा आपको पता होना चाहिए तो ये जो संगम लिटरेचर है ओके ये सारा का सारा संगम लिटरेचर पांडियन किंग ने पैट्रोनाइज किया है ओके और इसको संगम लिटरेचर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज संगम का मतलब तमिल में होता है असेंबली, ओके okay? तो संगम का मतलब होता है असेंबली तो पांड्यन किंग ने ऐसे टोटल तीन असेंबलीज इंडिया में कन्वीन की थी और फिर ये जो तीन असेंबली जो है उसमें उन्होंने जो लिटरेचर जो बनाया वो लिटरेचर अल्टीमेटली हमारे पास पास ऑन हुआ है इसमें भी एक लेजेंड ऐसा है कि जो पहली दो असेंबली हुई थी उसका लिटरेचर अब खो गया है बिकॉज ऑफ द फ्लड पर जो थर्ड असेंबली इन्होंने जो कंडक्ट की थी उसका लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है तो जो पांडियन किंग है दो पेट्रोनाइजर एंड हमारे पास कौन से संगम का लिटरेचर अवेलेबल है तो सिर्फ थर्ड संगम का ही लिटरेचर अवेलेबल है उसके पहले के संगम का क्या हुआ फिर अब वो खो गया वो लिटरेचर जो है वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें इनसे मिलती है संगम लिटरेचर के जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट है उट्टु टू गाई एंड पुट्टु पुट्टू उसके बारे में बाद में देखेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट संगम लिटरेचर में इनके कुछ एपिक है जैसे हिंदू रिलीजन के नॉर्थ इंडिया के एपिक है रामायण एंड महाभारत वैसे साउथ इंडिया में भी दो इम्पोर्टेंट एपिक है इनके एक है शिल्पाधिकरम और दूसरा है मनी मैकलाई तो शिल्पाधिकरम ऑफ इलांगो इदिगाल एंड मनी मैकलाई ऑफ सतनार तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे वंस वी गो इंग टू दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बट ये ऊपर ऊपर से आपको सारी चीजें जो है वो अभी के लिए तो पता होनी चाहिए तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द अब समीजी के अलावा हमारे पास कुछ कुछ फॉरेन के सोर्सेज भी अवेलेबल है जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के बारे में लिख के रखा तो इसमें कौन से कौन से हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल है तो कहीं कहीं पे जगह पे हम लोगों को ओके okay, इन्फॉर्मेशन मिली है तो एंशियंट टाइम में कुछ ग्रीक हिस्टोरियंस इंडिया में आए थे ग्रीक ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे और कुछ चाइनीज ट्रैवलर भी इंडिया में आए हैं तो एज फार एज ग्रीक्स आर कंसर्न ओके तो उसमें इंडिका ऑफ मेगास्थीस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ये मौर्य के बारे में हम लोगों को काफी इंफॉर्मेशन देता है एंड ये जो मेगास्थिनि है ही हैड केम इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यायर इन थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन से लेके टू हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन बी सी के बीच में सिमिलरली Of है first AD में, इंडिया और रोमन के बीच का जो ट्रेड है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ये हमें नहीं पता अनफॉर्चुनेटली बुक पे ऑथर ने अपना नाम ही नहीं डाला है ओके okay? तो बुक का ऑथर हम लोगों को पता ही नहीं कि भाई एक्टली exactly कौन ऑथर है यहाँ पे ओके तो दिस इज समिंग रिलेटेड टू दिप्लस ऑफ एरि एंड आफ्टर टोलेमिज्राफी जिसमें उसने इंडिया के बारे में बता के रखा है तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द ग्रीक हिस्टोरियन तो ग्रीक हिस्टोरियन ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है एंड वैसे ही फिर हीचुरस्टोरिका इज ऑल्सो देयर एंड चाइनीज ट्रैवलर तो तीन चाइनीज ट्रेवलर इंडिया में इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो कौन से तीन चाइनीज ट्रैवलर है ये तो सबसे पहले तो फाहेन फाहेन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य ओके चंद्रगुप्त द सेकंड है हु टू रूल इंडिया इन बिटवीन लेके फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फाहीन इंडिया में आया था एंड एंडर आफ्टर सैंग इज देयर तो ह्यून सैंग जो है वो आया था हर्षवर्धना के पीरियड में हर्षवर्धन द ग्रेट और हु इज एज लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर इसके बारे में भी बात करेंगे बाद में तो हर्षवर्धना का जो पीरियड है लेके तो इंडिया।, तो इंडिया के बारे में बहुत ईडी चीजें लिख के रखी है ये दिफरन दिफरन प्लेसेस में गए थे इंडिया में और उन्होंने इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देके रखी है एंड ऑन दी अदर एंड इन दोनों के अलावा ओके okay, एक और चाइनीज ट्रेवलर जो है वो इंपॉर्टेंट है आई सिंह जो समवेयर अराउंड सेवन हंड्रेड इंडिया में आया था तो फाहर ह्यूएन सैंग इन्होंने तो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख के रखी है बट आई आईसिंग के राइटिंग से हमें ये पता चला है कि पूरे इंडिया में पॉलिटिकल अपीवलनेस चल रहा था एंड इसके वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही थी तो ऐसी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ये सारे हिस्टोरियंस हमें देते हैं तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि इंडिजीनियस सोर्सेज हमारे पास कुछ कुछ अवेलेबल है एंड आफ्टर सोर्सेज भी हमारे पास कुछ कुछ अवेलेबल है बट आपको यहाँ पे यही समझना है कि कोई भी एक सिंगल बुक अगर आप पकड़ोगे तो हर एक सिंगल बुक में लिखे हुए इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग करेक्ट नहीं मानते एज लॉन्ग एज ये सेम इंफॉर्मेशन हमें कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में भी मिल रही है एंड कोई लिटरेरी सोर्सेस में भी मिल रही है मतलब कोई दूसरे बुक में भी मिल रही है तब तक हम वो वाली इंफॉर्मेशन को सच नहीं मानेंगे क्यों बिकॉज एंशियंट टाइम पे नॉलेज मोनोपोली हुआ करती थी और जब नॉलेज मोनोपोली होगी तो ऑब्वियसली जो बंदा पैसा दे रहा है उसी के फेवर में हिस्ट्री लिखी जाती थी आपने इंग्लिश में डायलॉग भी सुना होगा दैट हिस्ट्री ऑलवेज फेवर्स द विक्टर्स या फिर हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर तो इसके वजह से हिस्ट्री में बहुत सारे बायासेस आते हैं और वो बायसिस आप कैसे निकाल पाओगे जब आपको सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स या फिर कोई दूसरे लिटरेरी सोर्स से मिल रही है सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ओके कि सोर्सेस क्या होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं एंडर आफ्टर लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं ओके सिंपल तो एनी डाउट अगर आपको यहाँ पे रहेगा देन यू कैन फील फ्री टू आस्क मी ओके सिंपल

ये हर एक टाइम पे एक तीन से पेजेस का ही मटेरियल रहेगा अब ये वाला चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर था तो इसके लिए पेज तक खींच गया बट अब इसके आगे वाले चैप्टर चैप्टर अगेन काफी छोटे है तो जल्दी भी होंगे और उसका पेजेस जो है वो भी आपको कम मिलेंगे तो ये वाला जो मटेरियल है दैट इज दिस प्रिंटेड मटेरियल और पी वाला मटेरियल एंड एंडर आफ्टर पीपीटी दोनों जो चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल दैट इज सी विद साइनल नागरे यू कैन गेट इट फ्रॉम देअर तो आपको वहां से डाउनलोड करने के बाद ये सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी सो आई होप इट इज क्लियर सॉरी और कोई डाउट रहेगा तो फिर पूछोगे हम्म hmm. गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीर ये जो दो बंदे है वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है बिकॉज इनके बारे में हमें इन डिटेल पता है जिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस दोनों से बट जैनिज्म है उसका फाउंडर थेउट द फर्स्ट ट्वेंटी थ्री तीर्थन कारा तो वहां पर थोड़ा सा माइथोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है ठीक है यह yes, स्वर्ण सिस्टम सिर्फ चार होते थे दैट इज सबसे पहले ब्राह्मणा फिर क्षत्रिया दर आफ्टर वैश्यास एंड दर आफ्टर शूद्रास सर व्हाट इज एविड इज ओल्ड कंसीडर संस्कृत बिकॉज ऑफ द नेम इट का नाम ही होता है नेचुरल इट? तो नेचुरल लैंग्वेज या फिर जो पहली की खड़ी बोली जो हुआ करती थी उसको आप बोलोगे प्रकृत इसका नाम ही इसी की वजह से पड़ा है प्रकृत का बन के आ गया आपका फिर अपब्रह्मसा अपब्रह्मसा जो है दैट इज बेसिकली रिफाइंड लैंग्वेज और ओल्ड करप लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है बट रिफाइन या फिर ओल्ड करप जो है ये लैंग्वेज जो है इसके बाद में आपका संस्कृत, तो सम्स एंड क्रित संस्कृत ये वर्ड का मतलब ही होता है रिफाइंड लैंग्वेज तो प्रकृत के बहुत सारे वर्ड जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में उठाए गए एंडर आफ्टर फिर आपकी संस्कृत लैंग्वेज बनी तो इंडिया की जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है उसको प्रकृति ही हम लोग कंसिडर करते हैं प्रकृत मतलब नेचुरल इसका नेक्स्ट वर्जन था अप्रह्म अप्रह्म का नेक्स्ट वर्जन जो है वह आपका आया संस्कृत ओके तो ये इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस है ओके हाँ हाँ जैन रामायण टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एब्सोल्युटली बिकॉज हर एक रिलीजन अपने रिलीजन को ही फेवर करेगा तो रामायना जो है, जो हम लोगों को पता है ठीक है यस है, है? Yes. नहीं ओके अर्ली वैदिक पीरियड इज फिफ्टीन हंड्रेड बीसी से लेके वन थाउजेंड बीसी तक लेटर वैदिक एज जो है वो वन थाउजेंड बीसी से लेके सिक्स हंड्रेड तक एंड पोस्ट वेदिक एज जो है वो 600 बीसी के बाद वाला पीरियड ठीक है ओके okay, अष्टाध्यायी जनपदा मेंशन किया था क्या सर नो एब्सोल्युटली नॉट ओके अष्टाध्यायी में तो जो जनपदा है उसके बारे में हमें बुद्धिस्ट एंड जैन सोर्सेस से पता चलता है नॉट अष्टाध्यायी ठीक है yes, हाँ. का तो do, okay? मैंने एक मेरे पेड सब्सक्राइबर के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों के लिए प्रॉमिस भी किया था ओके, okay? एक कल परसों या फिर मंडे या अगले दो तीन दिन में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी सेल्यूकस निकेटार जब चंद्रगुप्त मौर्य से वॉर हार गए तो उसके बाद में सेल्यूकस निकेटार ने अपना एक जो एम्बेसडर है वो भेजा था मौर्य के कोर्ट में एंड दैट एम्बेसडर वॉज मेगास्थ

इंडियंस को डिस्पोटिक रूल पसंद आता है इंडिया को उनके पास के बारे में पता नहीं है ये पास के बारे में लिखते नहीं है एंड दे आर नॉट इवन कंसर्न अबाउट द पास्ट तो फ्रॉम लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अभी हमें ये पता चला है नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने हमें यही बताया है कि भाई ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियन बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं क्यों बिकॉज देखो लिखावट तो हमें हरप्पा के टाइम से ही पता थी ओके देर आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस इंडिया में डेवलप हुई है फिर इंडिया ने खुद के इतिहास के बारे में भी लिख के रखा है दैट इज पुरान पुरान का मतलब ही इतिहास होता है आफ्टर इंडिया ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिख के रखा है दैट इज अर्थशास्त्र फिर इंडिया ने ओके okay, फिलोसॉफी के बारे में भी लिख के रखा है दैट इज वैदिक लिटरेचर और इतना ही नहीं तो एंशियन टाइम में बड़े बड़े फॉरेन ट्रेवलर भी इंडिया में आए और उन्होंने भी इंडिया के बारे में लिख के रखा है तो फॉरेन ट्रेवलर उसी कंट्री में जाएंगे ना जो कंट्री प्रॉस्परस होती है कोई युगांडा रवांडा या फिर सोमालिया में जाके उनके बारे में तो नहीं लिखेगा राइट right? तो यही सारे आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट इंडियन हिस्टोरियंस ने दिए एंड ये सारे आर्ग्यूमेंट देने के बाद ओके ब्रिटिश हिस्टोरियंस है वो रिवर्स करने के ऊपर फोर्स किया गया दैट्स फिर कॉलोनियल हिस्टोरियन का जो व्यू पॉइंट है उसको रिफाइन करने का काम लेटर ऑन कैम्ब्रिज हिस्टोरियन ने चालू किया बिकॉज ऑफ द एविडेंसेज जो इंडियन हिस्टोरियंस ने अल्टीमेटली गैदर किए थे एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली हमारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री वाला जो एफर्ट है वो इन दी एंड यहाँ पे आके खत्म होता है कि हमारे पास आर्क्योलॉजी एंड लिटरे एविडेंस दोनों है और आर्क्योलॉजी एंड लिटरेरी एविडेंस हमेशा कोरोबोरेटिव होते हैं मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले चाहिए अगर कोई इन दोनों में तफावत है या फिर इन दोनों में डिफ्रेंस है तो हम वो पर्टिकुलर फैक्ट को अभी सही नहीं मानते तो दिस इज समिंग रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर थ्री ऑफ आर एस शर्मा ओके सो फाइनली टाइम फॉर बिट ऑफ प्रमोशन थोड़ा प्रमोशन करूंगा फिर आपके बच्चे हुए डाउट दूंगा मैं ठीक है तो आई एम फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल गाइड्स ओवर हियर इन दिस स्टडी आई क्यू तो एज अ हिस्ट्री ऑप्शनल मैंने समवर अराउंड थर्टी एथ सेबर बैच वन चालू किया था काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी था एंड नाउ आई एम कमिंग आउट विद द बच सेकंड सो इफ यू आर स्टडिंग फॉर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री और इवन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर and if you are having history optional then I will suggest you to join this particular course okay इस yes, course की speciality क्या है तो सबसे पहले तो okay ppt driven lecture ड्रीवन लेक्चर रहेंगे तो आपको पता चल चल ही गया होगा कि जब पीपीटी ड्रीवन लेक्चर होते हैं तो विजुअल मेमोरी जो है वो आपकी हमेशा अच्छे से काम करती है जब आपको चीज़ें आंखों के सामने दिखेंगी तो विजुअल मेमोरी की वजह से आपको चीज़ें रिकलेक्शन में काफ़ी आसानी होती है कम टाइम में ज़्यादा पोर्शन भी जो है वो कवरअप हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट आई आई विल भी प्रोवाइडिंग विद यू विद्री काइंड ऑफ द मटेरियल पी पी टी का एक्सेस तो मैं दे दूंगा ही प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे तो जैसे मेरा लेक्चर चलता है तो मेरे साथ बैठ के एक बंदा हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे बनाता है सो so दैट अगर आपको रनिंग नोट्स बनाने में दिक्कत है जो यूजअली मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को होती है क्लास में तो वो वाला इशू भी मैं आपके लिए सॉर्ट आउट कर दूंगा बिकॉज वो रनिंग नोट मैं आपको क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा एंड तीसरा वाला जो है मेरा क्रक्स मटेरियल तो जैसे अभी एनसीआर में आपने देखा जैसा मेरा क्रक्स मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा कर रहा हूँ वैसे ही हिस्ट्री ऑप्शनल के जितने भी रेफरेंस बुक जो है उसका समराइज क्रक्स मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ऐजा जरूरत नहीं पड़े एंड फाइनली ओके माई ओन एक्सपीरियंस तो मुझे खुद हिस्ट्री ऑप्शनल में थ्री प्लस मार्क्स आ चुके हैं ओके टू फॉर टू टाइम्स मैंने उसका मार्कशीट भी डेमो वीडियोज में शेयर किया इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन हैव अ लुक एट इट तो प्राइमरी स्किल जो है दैट इज बेसिकली नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल एंड आफ्टर सेकेंडरी स्किल दैट इज आंसर राइटिंग एंड पेपर हैंडलिंग कैपेबिलिटी तो ये दोनों का मिक्स करके ही ये पूरा का पूरा कोर्स जो मैंने डिजाइन किया है तो इसमें आपको मैं सिर्फ वही चीज पढ़ाऊंगा जो हिस्ट्री ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट है एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द सीक्रेट ऑफ हाउ टू स्कोर थ्री प्लस इन योर हिस्ट्री ऑप्शनल एंड ऑन टॉप ऑफ इट ओके अल्टीमेटलीज बिलीव So, लेके होंगे मॉडर्न एंड वर्ल्ड के तो ये वाला जो कोर्स है वी आर प्रोवाइडिंग एट एन अफोर्डेबल रेट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज इफ यू यूज माई कोड दैट इज एस एन लाइफ तो इफ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड गाइज ठीक है तो ऑबली ओके ज्वाइन द कोर्स अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए देन ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑप्शनल इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट अभी तो टॉपर भी आ चुका है हिस्ट्री ऑप्शनल से आई हैव स्कोर मोर देन प्लस इन है ऑप्शनल तो मार्क्स भी आते हैं पढ़ने में मजा भी आता है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है एंड देर आफ्टर फिर लास्ट वन ओके तो ये जो लास्ट वन वाला जो है ओके दिस इज फॉर द जनरल स्टडीज वाले कैंडिडेट तो अगर कोई आपका दूसरा ऑप्शनल है बट स्टिल अगर आपने अभी तक कोई जीएस का फाउंडेशन ज्वाइन नहीं किया है तो दिस इज बेसिकली प्री कम मेन्स का जीएस का फाउंडेशन कोर्स तो जो ऑफलाइन वाले फाउंडेशन कोर्स जो होते हैं वो तो काफी महंगे होते हैं डेढ़ दो लाख के तो एट स्टडी आई क्यू वी आर प्रोवाइडिंग यू विद दिस जीएस फाउंडेशन विदेश रेट ऑफ एटीन थाउजेंड नाइन 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 जिसमें आपका प्रिलम्स का एज वेल एज जीएस मेन्स दोनों का जो पोर्शन है इफेक्टिव वे में हम लोग कवर अप करवाएंगे

आई डो नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ दूड मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये वाली फालतूगिरी नहीं चलेगी अ जेन्युअन कैंडिडेट डाउट है तो टाइप करो टाइप करने के बाद आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक इट अपट आप खुद का टाइम खराब मत करो बाकी के कैंडिडेट का भी टाइम बिल्कुल खराब मत करो ठीक है यस ओके यस सो एनी डाउट इफ यू हैविंग गाइज देन प्लीज लेट मी नो ओके टेलीग्राम का लिंक तो मैं आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा बट आई सिर्फ उसको सर्च भी कर लोगे, भी मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर लेक्चर का ठीक है यस yes. hmm. यार ये देखो मैं आपको एविडेंस जो है वो सारे के सारे दूंगा बट लेक्चर में जाते तभी देखेंगे नॉट राइट नाउ ठीक है अब तो हर दिन मिलना होगा तो ये वेदा, वेदा वाला लिटरेचर भी आएगा तो वेदाज में जब जाएंगे तब देखेंगे क्या एविडेंसेस है क्या एविडेंसेस नहीं है उससे हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्ट किया है क्या माइथोलॉजी का पार्ट है क्या रियलिटी है वो सारी चीजें तब देखेंगे फिर ठीक है ओके okay. यस yes. ठीक है hmm. ठीक है सिंपल hmm. है ओके सो बेसिकली आई होप इट इज क्लियर हु इज द प्रेजेंट ने प्रेजेंट ने का क्या मतलब होता है भाई वट इज द प्रेजेंट होना चाहिए ना वट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ इंडिया इंडिया का नाम क्या है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत सो बोथ ऑफ दिस नेम्स आर देयर ऑफ इंडिया राइट सर वट इज द एविडेंस दैट वी कैन पॉइंट आउट ये सागा स्पेस जो कोई हो आप ओके आई टेल यू ना यार ओके वेट टिल वी गो टू द लेक्चर ठीक है यस सिंपल ओके सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर और कोई डाउट नहीं होगा ओके, बट ये थोड़ा सा लैग में चलता है वीडियो, राइट? लाइव वाला भली होगा, एक मिनट का लैग होता है गिव यू वन मोर मिनट। अगर कोई डाउट रहेगा आपको तो यू कैन डेफिनेटली आस्क यानी जनरल डाउट अगर आपको रहेगा यू कैन आस्क मी। अदरवाइज लेक्चर तो खत्म हुआ है विल मीट अगेन एट सेवन ओ क्लॉक एंड वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर फोर ऑफ एनसीईआरटी ओके यस भारत और इंडिया मैंने आपको बताया भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड ओके आप कुछ भी कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है संविधान इज द ओनली एस्पेक्ट दैट बेसिकली कनेक्ट ईच एंड एवरी इंडियन इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड यू शॉल ऑलवेज शो रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ आर्टिकल वन डिफाइंस इंडिया दैट इज इंडिया दैट इज भारत दिन भारत के दोनों नाम है इंडिया भी है भारत भी है ओके okay? सोलह के सोलह जनपदा नहीं पढ़ाए हैं बेसिकली कुछ कुछ जनपदा के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी है तो उसने मगधन किंगडम का नाम लिया है अवंती का नाम लिया है कोशाला का नाम लिया है बट भाई सोलह जनपदा थे उनमें कौन सी पॉलिटी थी उनकी सोसाइटी इकोनॉमी कौन सी थी उनमें कौन से राजा थे ये इन्फॉर्मेशन हमें बुद्धिस्ट एंड जैन सोर्सेज से मिली है ओके मेन डिफरेंस बिटवीन हरप्पा हरप्पा इज अ होल टुगेदर डिफरेंट सिविलाइजेशन ठीक है एंड हरप्पा को हम लोग इंडिजीनियस सिविलाइजेशन भी बुलाते हैं एंड हरप्पा का जो टाइम पीरियड है मैच्योर टाइम पीरियड इज यूजली दिस वन एंड जबकि आर्यन का जो टाइम पीरियड है दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो है ये तो आर्य आर बेसिकली कंसिडर्ड एज अ आउटसाइड सिविलाइजेशन दैट रूल्ड इंडिया जबकि हरप्पा जो है दिस इज कंसिडर्ड एज द इंडिजीनियस सिविलाइजेशन तो इनका टाइम पीरियड ही डिफरेंट है तो दैट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन देम ठीक है इसका रीजन रीजन uh, भी देखेंगे सौरभ कि बुद्धिज्म के डिक्लाइन के इंडिया में क्या क्या रीजन थे एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन जो था वो रिसर्जेंट हिंदुज या फिर रिसर्जेंट तो हिंदुज या फिर जो है वो सेंचुरी ऑनवर्ड सिक्स सेंचुरी एडी ऑनवर्ड वो इतना रिसर्जेंट हो गया था कि उसके सामने इंडिया में फिर बाकी कोई रिलीजन टिक नहीं पाए ओके okay? तो जब जाएंगे तब देखेंगे हम लोग ओके वट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ हिंदी रिलीजन हिंदी हिंदी रिलीजन क्या होता है भाई ओके सर स्टार्ट अमेंडमेंट इज इज द द ओल्डेस्ट नेम ऑफ हिंदू सनातन धर्म सनातन धर्म का भी डिफरेंस देखेंगे नॉट राइट नो मैंने एक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लिया है उसमें आप देख लेना अगर इन डिटेल चाहिए तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इन डिटेल ओवर हियर ना गाइज राइट वट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द हिंदू रिलीजन हिंदू रिलीजन नेम है नहीं ठीक है तो हिंदू रिलीजन जो है ओके okay, वो बेसिकली आर्यन रिलीजन है Aryans खुद को okay? शंकराचार्य ने हिंदुइज्म को रिवाइव करना चाहा तो एट ही स्टेटेड वी आर गोइंग टू फॉलो द रिलीजन ऑफ पीपल हु सिंधु को वेस्टर्न सिविलाइजेशन हिंदू बुलाती थी इसके लिए आदि शंकराचार्य ने भी हिंदू नाम जो है वो कर लिया, ओके? Okay? एंड अभी भी आप वो एक डिबेट देखोगे कि ये क्या है? तो इट इज ऑफ लाइफ है तो ये वे ऑफ लाइफ किसका है अंगुत्तर निकाय इज वन ऑफ द सबसेट ऑफ दुद्धिस्त लिटरेचर ओके तरुण यस ओके सो आई होप इट इज

तो वैसे ही लेटर पीरियड में हिंदुइज्म ने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल दिए जो लोगों ने रेडिली एक्सेप्ट कर लिए ओके यस ठीक है सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर और कोई डाउट नहीं है यस ओके एनीथिंग एज गाइज अगर और कोई डाउट रहेगा यू कैन लेट मी नो अरे नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं ठीक है, है ऐसे बच्चे आते रहते ओपन तो सेशन में दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ओपन लेक्चर राइट सो आई डोंट फील बैड ठीक है सो जिसको जो कमेंट करना है करते रहे बस वो नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से दूसरों बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हो उसकी वजह से एक हाथ दूसरा मेरा बीच वाला डाउट छूट गया तो उसमें थोड़ा सा लॉस होगा बस और कुछ नहीं ओके okay? चलो इन एनी केस अगर और कोई डाउट नहीं रहेगा गाइज देन वी कैन स्टॉप ओवर हियर ओके ओके सर मॉडरेटर ठीक है चलो थैंक यू अगेन ठीक है हाँ ओके okay, चलो ठीक है सो so, चलो इन एनी केस ठीक है और कोई डाउट नहीं है गाइस गाइस सो वी स्टॉप विल मीट अगेन टुमारो ओके चलो परफेक्ट ठीक है ठीक है ठीक अरे यार झगड़ो मत चलो लिव इट ठीक है सो so, चलो आई गेस नो मोर डाउट्स आर देयर ठीक है ओके आई होप इट इज क्वाइट क्लियर हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री एकदम लास्ट पढ़ाई के कुछ कुछ जो स्टेजेस होते हैं आप में वो स्टेजेस में आपको सबसे पहले कोर सब्जेक्ट करने होते हैं जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकोनॉमी साइंस एंड टेक ये कोर सब्जेक्ट आपने कवर कर लिए तो उसके बाद फिर कुछ सेकेंडरी सब्जेक्ट होते हैं जो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं तो सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन जी एस वन का फिर जी एस टू में आपने आई आर पढ़ लिया जी एस थ्री में आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लिया एंडर आफ्टर फिर जी एस फोर में आपने एथिक्स पढ़ लिया अब ये सारा होने के बाद फिर टर्शरी लेवल के कुछ कुछ जो आपको ये मिलते हैं ओके सब्जेक्ट वो आपको करने चाहिए जैसे आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली वैसे ही आपने इकोनॉमिक जोग्राफी पढ़ ली फॉर एग्जाम्पल पेपर वन में तो वैसे ही फिर पेपर टू में आपने इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा पढ़ लिया फॉर एग्जाम्पल या फिर गवर्नेंस का पूरा इवोल्यूशन पढ़ लिया तो वो सारे जो है एकदम एंड में करने वाले टॉपिक होते हैं पहले नहीं करो बट पहले कोर सब्जेक्ट पहले क्लियर करने एंड आफ्टर मूव ऑन टू दैट पर्टिकुलर ओके के

एक महीने में मीडियावेल एंड आफ्टर एक महीने में आई विल डू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ओके चलो विल मीट अगेन गाइस टुमारो ओके थैंक यू सो मच ओके थैंक यू गाइस